मेरा भी एक सपना था छोटा सा बाकियों की तरह कि मेरा नाम हो, लोग मुझे पहचाने, प्यार करें। एक खुद पे बिलीव था कि मुझे करना है क्योंकि मुझे जीतने की भूख थी। विनर ऑफ बिग बॉस डबल ट्रबल इज प्रिंस। ये मेरी सारी यादें हैं जो मैंने लाइफ में अचीव की हैं, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। जब भी मैं देखता हूँ कि मैंने 3 शोज एक साथ जीते हैं और मैंने हिस्ट्री क्रिएट करी थी यहाँ पर, तो खुद पे एक गर्व महसूस होता है। बिना जाने लोग जब कमेंट करते हैं, मुझे डेफिनेशन नहीं पता क्या होती है। जिस दिन पता लग जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं हूँ या नहीं। मुझे कोई काम नहीं आता, मैं रेस्लिंग करता हूँ। मैं सारे स्टंट खुद करने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक आपको देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। ऐसे कमेंट सुन के तो मैं यही बोलूंगा कि यार काश ये कमेंट्स तुम्हारे माँ बाप ना पढ़े। नफरत और गाली तो हर कोई देता है कमेंट्स में, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सामने आके मुकाबला करे। अगर किसी में है तो प्लीज आए और हमसे मुकाबला करें। ट्रोल करते हो, इसके अलावा कोई और काम भी करते हो? तू का है? मेरी मम्मी का और बहन का। तूने एक बार और नाम लिया ना। अबे ready prince, you guys must be wondering how we got here. Go take a look. Welcome to MTV Troll Police. Thank you so much, mate. जब मैं तेरे बारे में देखता हूँ कि कितनी जल्द तूने कितना कुछ किया है, I'm very proud of you. Thank you so much. It's amazing. I remember seeing you Roadies X2 पे. बता कि तेरा जर्नी कैसा रहा अभी तक? मेरी लाइफ का स्ट्रगल ऐसा रहा कि पहले आपको पता है पंजाब में कॉलेज टाइम स्कूल टाइम कैसा होता है कि हर कोई टफरी बाज होता है, तो मेरा भी एटीट्यूड कुछ ऐसा ही था। शाम को गेड़ी मारनी, लड़ना झगड़ना, तब मैं लाइफ में कभी नहीं सोचा रहा क्योंकि बहुत कम्फर्ट जोन में रहता रहा, क्योंकि पता रहा डैड पैसे देते हैं। फिर एक सडनली ऐसा हुआ था कि मेरे डैड बहुत बीमार पड़ गए थे, हॉस्पिटलाइज थे वो, तो वो दिन था और मैं रोया। मैं कहा कि बस बहुत हो गया, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है क्योंकि मैं अपने डैड को हर्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं वहाँ से निकला और मैं शॉप पे गया और मैंने वहाँ पर जाकर देखा और मैं रोया एक्चुअली में, क्योंकि उससे पहले सिर्फ मैं आता रहा, पैसे लेता रहा और भाग जाता रहा, है ना। और जब मैं वहाँ के बैठा तो मैंने बोला मैं क्या कर रहा था लाइफ के इतने साल, जहाँ मैं अपने डैड का हाथ बटा सकता था, वो मैंने सिर्फ आवारापंती में निकाल दिए। तो नेक्स्ट डे मैं एक परचेजिंग के लिए निकल गया। मैंने जहाँ से डैड स्टॉक लेते हैं वहाँ से खरीदा और हर सूट, लाइक मेरा अनस्टिच क्लोथ का काम है, हर सूट वैसे खरीदा कि जैसे मैं उनके पास शॉपिंग करने गया हूँ और मुझे वो सामान चाहिए। उसके बाद जब डैड बिल्कुल ठीक हो गए, शॉप पे आना डैड ने स्टार्ट किया, टीवी चल रहा था शॉप पे, मैं और डैड बैठे थे एक साथ, तो वहाँ पे एड आई मिस्टर पंजाब की, है ना, ऑडिशंस। तो डैड कह रहे तू यहाँ पे ट्राई कर, क्योंकि पहला मिस्टर पंजाब था तो पंजाब का सबसे बड़ा रियलिटी शो था, तो वहाँ पर इतनी लाइन लगी है। मैं लाइन में खड़ा हूँ और अंदर गया हूँ, मैं शॉर्टलिस्ट हुआ और वहाँ फर्स्ट रनर अप था। मेरे को था कि अभी मेरी जर्नी की स्टार्टिंग है, मुझे भी बहुत आगे जाना है। और जब रोडीज में मेरी एंट्री हुई तो मेरे सपना पूरे होने का जो स्टेप है ना, ये शुरू हो गए। बिग बॉस खत्म हो गया, यू वन, जब तक बाहर आए देयर वर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एंड थोड़े थोड़े ट्रोलिंग शुरू हो चुकी थी। कई लोगों को पता नहीं कि ट्रोलिंग कितनी हार्मफुल है। कई बार ऐसा लगता है कि इनको बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक को बताया जो मिलियंस देख रहे हैं वहां पे, exactly. जो ट्रोल करते हैं, एटलीस्ट उनको पता तो लगेगा। बिल्कुल, व्हाट इट टेक्स। हमने एक सीरियल ट्रोलर को आइडेंटिफाई किया, इट इज मशीन मीन 884। तुम्हारा सीरियल ट्रोलर है, वो तुम्हारे काफी सारे कमेंट्स करता है, वो अलग अलग पोस्ट पर, विल गो थ्रू देम। रेडी? या वॉइस शोज द कमेंट्स। ये रोडीज के एक टास्क के बाद है, उस पीछे लगा पैर टूटा हुआ और वो रोडी में खून निकल रहा तेरा। वाह क्या मस्त बोला, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तू किसी को बीट करे बिना गैंग लीडर बना। तेरे को गैंग लीडर का पोजीशन दहेज में मिला है। मुझे इसके कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरी लाइफ नहीं चला रहा। फर्क पड़ता है, मेरे को दिख रहा है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप हो, आपने भी काम किया है, हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, हम खुद उठे हैं, हमने अर्न किया है
और जब हमारी मेहनत पे कोई ऐसा आके ऐसे कमेंट करता है ना तो बुरा लगता है। कोई पूछे अकल बड़ी या भैंस तो ये भैंस बोलता है और गैंग लीडर बन गया। आपको ऐसे ट्रोल्स भी आते हैं ना कि दिमाग नहीं है। मैं लोगों से पूछना चाहूंगा क्या क्या दिमाग उन्हीं के पास होता है जो किताबें पढ़ते हैं। रियलिटी शो इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। मेंटली स्ट्रॉन्ग बाय द वे कुछ नहीं हो सकता तेरा कुछ नहीं। पता नहीं लोगों को क्या लगता है कि टैलेंट क्या होता है। मैं रियलिटी शो जीत चुका हूँ, मैं उसे अब भगवान के साथ जज कर रहा हूँ। मैं एक हिट डेली सोप कर रहा हूँ, मेरे दो ट्रैक्स आ चुके हैं तो दोनों सुपर हिट है। मैं सिंगिंग करता हूँ, मैं डांस करता हूँ, और क्या होता है टैलेंट? ये क्या करते हैं? कुछ नहीं हो सकता तेरा साला। दिस गाइस इज सेइंग फॉर नो रीजन। लेट्स सी सम अदर कमेंट्स। ओ पोजर साले गैंग लीडर भी भीख से बना क्योंकि सुशील कुमार जी नहीं आ पाए। भाग साले जिम में सेल्फी खींच वहीं अच्छा लगता है। पर जी इसको मैं पसंद भी नहीं हूं और मुझे फॉलो हर जगह करता है, जिम में भी मैं क्या कर रहा हूँ और सेट पे मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है कि आप गैंग लीडर बने। नेक्स्ट। अरे प्रिंस तू खाली पोज मार रहा है, टैलेंट तो तुझ में है नहीं, क्यों शो ऑफ कर रहा है? जैसा शक्ल है दुक्कर जैसी बॉडी है, तू ना रोडी का नाजायज रोडी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी शक्ल पे बोला है कि तुम कैसे दिखते हो और डुक्कर जैसी बॉडी को। प्रिंस जी क्या ये ऐसा ट्रोल है जिसको आप मिलना चाहेंगे? जी भाजी बिल्कुल, क्योंकि ये इंसान ऐसा है जिसने मेरे हर प्रोफेशन पे लाइक हर फील्ड पे सवाल किया, तो इससे मैं जरूर मिलना चाहूंगा क्योंकि मैं बोलूंगा भाई तू बता तुझे मुझसे प्रॉब्लम है या मेरे जो मेरे काम है उनसे या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? ओके सो मैं अपनी टीम को मशीन मीन 884 को ढूंढने के लिए बोलता हूँ एंड होपफुली वी विल फाइंड दिस पर्सन। और एक बार अगर हमें ये ट्रोल मिल गया तो हम दो पंजाबी मुंडे उसका बैंड बजा देंगे। इन द नेक्स्ट 48 आवर्स सोशल इंजीनियरिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ट्रोल पुलिस की टीम को मशीन मीन 884 के सारे डिटेल्स मिल चुके थे और अब रणविजय विल ब्रीफ प्रिंस ऑन व्हाट द टीम हैज अनकवर्ड। प्रिंस एक गुड न्यूज है और एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वी हैव फाउंड मीन मशीन 884। आर यू रेडी? यस रेडी टू सी आदित्य। इसका रियल नाम आदित्य। वी गॉट हिज इंस्टाग्राम पेज, फाइनली इन द जिम। तेरे को क्या बोला था, जिम में सेल्फियां लगा वही सही है, वही उसमें अच्छा लगता है। अगला फोटो, ओह इस दाढ़ी की फोटोग्राफ में ऐसा लग रहा है ही वाज अ बिग बॉय बट ही इज लॉस्ट वेट। यस नेक्स्ट। आई विल से वन थिंग पॉजिटिव अबाउट हिम, पहले से इसने अपने अंदर बहुत सुधार लाया है अपीयरेंस में, लेकिन मुझे लगता है उसी का घमंड भी साथ में आ गया और उसको लगता है कि अब मैंने ये कर लिया अब मुझे मिलना चाहिए। इसको क्यों मिला। दिस इज शॉकिंग। ट्रोल आदित्य शर्मा कुछ महीनों पहले ओवरवेट था मगर आज वो फिट एंड लीन हो चुका है। Whereas Prince ने कई रियलिटी शोज अपने स्ट्रॉन्ग फिजिकल एंड्योरेंस के दम पर ही जीते हैं। सो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डज मशीन मीन 884 एके आदित्य ट्रोल प्रिंस सो मच? ये वो फुटेज है जो हमने लिया है, हमें पता था ये कहां पे रहता है। शहर मुंबई, लोकेशन अंबोली, यही रहता है प्रिंस का सबसे बड़ा ट्रोल मशीन मीन 884 AKA आदित्य शर्मा। ट्रोल पुलिस टीम हैज एक्टिवेटेड इट्स स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और उनका मिशन एकदम क्लियर है टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्रोल एंड टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड हिम। ऑब्वियसली जिम जा रहा है, स्पोर्ट्स शॉर्ट्स पहने हुए हैं, स्लीवलेस पहना हुआ है तुम्हारी तरह। ओह व्हाट एन इंस्पिरेशन। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या 24 साल के बच्चे को? एक मिनट, कुछ ना हो गया आजकल की जनरेशन को, वो सोचते हैं कि जब हम ये कर लेते हैं ना लाइक जिसको हम एक स्मोकिंग शॉट करते हैं।
और ये बैड लग रहा हूँ मैं। और एक तरफ कह रहा है कि मैं जिम जाकर दिखा रहा है लोगों को, इंस्पायर कर, दूसरी तरफ वो कर रहा है, मतलब जो इससे छोटे होंगे वो इसको देखिए क्या कर रहे होंगे, यार ये तो स्मोक भी करते हैं, जिम भी जाते हैं, मतलब हम तो ऐसे बॉडी बना सकते हैं करके सब कुछ। बहुत सारे ऐसे रीजंस मुझे लग रहा है इसके पास है टू ट्रोल यू। प्रिंस इज एन आइकॉन इन द वर्ल्ड ऑफ फिटनेस। हिज एंड्योरेंस इन डूइंग हार्डकोर फिजिकल टास्क्स आर अनमैच्ड। फिटनेस के मामले में आदित्य की सोच भी सेम है, मकसद भी सेम। देन व्हाई डज ही हेट प्रिंस सो मच? Private investigator Jignesh Chheda called Aditya and asked him to be a part of a fictional show on fitness, jisko khud Ranvijay host karenge. Crew told him ki is show ka maksad hai to spread awareness of fitness to the youth of today. Aditya quickly agreed. So, a crew member was sent to meet with Aditya at a coffee shop, uske mindset ko behtar samajhne ke liye. Hamara jo ye show hai, wo fitness ke upar based hai actually. तो बेसिकली क्या होगा कि पहले यूथ के ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है, देन एक ये भी पॉइंट आएगा कि आज का यूथ फिट कितना है। अच्छा, तो अगर मैं तुझसे पूछूं तू कितना फिट है तो तू क्या बोलेगा? जिम विम जाता है? जिम जाना इज नॉट यार, मतलब ये भी एक मिसकंसेप्शन है, जिम जाना भी वो थोड़ी है फिटनेस की डेफिनेशन। जिम जाने से फिट नहीं होते, आप मुझसे ज़्यादा फिट हो सकते हो बिना जिम जाने। जिम विम कब से कर रहा है तू? जिम यार पहले मैंने जान से शुरू किया, लाइक 120 केजी जिम जा रही थी। तो 120 केजी था? लाइक राउंड गोल था। कितने साल का था तू? एक साल, अच्छा एक डेढ़ साल पहले। अभी इस जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं। जिम जाता है? जिम जाता है। ऑब्वियसली थोड़ा पहले भारी था, इसने वेट लूज किया तो उसका एरोगेंस है। एरोगेंस है। जेलस है? हाँ, आपसे, क्योंकि आपकी बॉडी बेटर है। बिल्कुल। मैं तो डुक्कर जैसी बॉडी क्यों बोलता हूँ? बिल्कुल। देख एमटीवी का हमारा रोडीज है, स्प्लिट्सविला है, कभी रोडीज में देखता था जब छोटा था। हाँ, रोडीज मैंने आशुतोष का देखा है सीजन 5। फिर मतलब ऐसा क्या हुआ कि तूने छोड़ दिया रोडीज देखना? ऐसे यार मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा, मतलब मुझे उतना मजा नहीं आने लगा। जो उस टाइम एक रॉनेस ये लोग दिखाते थे ना टीवी पे, बीट और व्हाटएवर टू मेक जस्ट द पीपल अंडरस्टैंड। रणविजय होस्ट है, रणविजय होगा सामने, ऐसा मत बोल दियो कि मतलब नहीं, रणविजय की आई रिस्पेक्ट है, आई लाइक इट। एक्साइटेड है? टीवी पे पहली बार ही आ रहेगा ना? ओके प्रिंस, वुड यू वांट टू मीट हिम? 1000%। मैं गुस्सा भी हूँ, मेरे इमोशंस भी हैं कि मेरी फील्ड के बारे में ऐसे कैसे बोल गया, मेरी मेहनत के बारे में ऐसे कैसे बोल गया। और मैं देखना भी चाहता हूँ कि जो लड़का इतनी गालियाँ देता है हर कमेंट में, वो है कौन? इफ यू मीट हिम क्या करने वाले हो? भाई मैं इसको सुधार के भेजूंगा, मैं इसको अपना हार्ड वर्क दिखाऊंगा जो हमने किया है, मैं इसे चैलेंज करूंगा कि एक दिन के लिए तू मेरी फील्ड में आ जा। ऑलराइट, मैं और प्रिंस जा रहे हैं एक ऐसी लोकेशन पे जहां पर हमारा ट्रोल आदित्य आने वाला है। उसको लग रहा है कि वो एक एमटीवी के एक ऐसे शो का हिस्सा है जो एक पैनल है, एक डिस्कशन है, लेकिन वहां पर उसके लिए प्रिंस इंतजार कर रहा है विद अ टास्क। जहां एक तरफ ट्रोल पुलिस के क्रू ने इस लोकेशन में कैमरास और माइक्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ ट्रोल आदित्य कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाला है, थिंकिंग दैट ही इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिटनेस शो विद रणविजय। But he has no idea that he is just minutes away from meeting his online target, Prince Narula. How will he react when he sees Prince face to face in real life? Let's find out. I hope कि आज की जर्नी उसे याद रहे और इसके बाद वो किसी को ट्रोल करने से पहले हजार बार सोचे। Are you ready for your surprise? Yeah, yeah, I'm ready for your surprise. On the right. Oh my God. Hi. Machine mean 84. Welcome to MTV Troll Police. Troll करते हो? इसके अलावा कोई और काम भी करते हो? नहीं यार, बहुत सारे काम करता हूँ। जैसे कि?
थिएटर करता हूँ, लिखता हूँ, फिटनेस के लिए जिम जाता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, चीजें एक्सप्लोर करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ। कितनी एज है तुम्हारी? 24। क्या किया अभी तक आपने? मैंने 17 साल थिएटर किया है दोस्त। आपने 17 साल थिएटर किया जी? उसके बाद क्या किया? उसके बाद वो मेरा फेज अभी चल रहा है, मैं अभी भी थिएटर करता हूँ। अच्छा, थिएटर कर रहे हो, उसके अलावा क्या कर रहे हो? लाइक अर्न करने के लिए क्या? अर्न करने की जरूरत नहीं भाई। क्यों, पापा के पास है? हाँ, वो सबके पापा के पास होता है। तुमने क्या किया खुद से? अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। अभी अगर आपने करना होता, आपका एक एम होता, समाना सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये आपकी सोच है कि पैसा कमा लिया तो बहुत कुछ कर लिया। नो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है भाई। उसके अलावा क्या कमाया? उसके अलावा क्या कमाई है? हां, मैं 6 साल का था जब मैं आपकी इज्जत नहीं करता। मैं भी आपकी इज्जत नहीं करता। वही वही तो मैंने इसीलिए बुलाया ना। वही ना, आज जब यहां से जाएंगे, जो आपकी इज्जत नहीं करता आपने उसको बुलाया। आज कितने सारे लोग इज्जत करते हैं उनको बुलाते ना। क्यों बुलाएं उन्हें? वो इज्जत करते हैं। तो देखो, आप तक पहुंचना कितना आसान है। आपसे कोई बेइज्जती करे, उनसे मिलना चाहते हैं, वो आपके सामने बैठा है। सो आप समझे नहीं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ। जो लाइफ में कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठ के सवाल करते हैं, और जो लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उनको लोगों की सक्सेस से चलती है। वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि यहां तक मैं क्यों नहीं पहुंच पाया। भाई मुझे वहां पहुंचना ही नहीं ना। जहां पहुंचे पहुंच नहीं पाओगे। आप पहुंच सकते हो, क्योंकि मेरा क्यों नहीं पाओगे? क्योंकि जो टाइम आप पहुंच सकते हो ना, आप बैठ के सिर्फ लोगों के आईडी में जा रहे हो, देख रहे हो उसने क्या किया है, और कमेंट कर रहे हो। आपको मेरे बारे में पता है? मेरे को तुम्हारा जानना ही नहीं। मैं 14 साल का था जब एनएसडी की 50th एनिवर्सरी पे आई वाज द ओनली चाइल्ड आर्टिस्ट परफॉर्मिंग। शायद तुझे कभी एंट्री भी ना दे। अच्छा, शायद तुम्हें पता नहीं, तुमने उसके बाद एक्टिंग नहीं करी। मैं अभी अभी जो शो कर रहा हूं, नंबर 1 शो। व्हिच शो? हां, व्हिच शो, जिसके बारे में आप लिखते हो कि भाई तेरे को एक्टिंग नहीं आती। हाँ, हाँ? नहीं आती तेरे को एक्टिंग? तो एक्टिंग बारे में क्या आता है? मुझे कुछ नहीं, मुझे भाई कुछ नहीं पता। नहीं पता वो, मुझे कुछ नहीं पता। करना इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। जो तुझे पता है, हाँ, तूने उसका क्या फायदा उठाया? मैंने उसका भाई ग्रो किया। मैंने 17 साल थिएटर किया 24 साल की उम्र में। मेरी बात सुन, 17 साल हो गए। आगे लेके जाना, आगे चल रहा है, आगे लेके जाना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ कि खत्म हो गया है। मैं अभी 12 एंग्री मैन का रीराइट कर रहा हूँ, वो होगा मुंबई में। भगवान करे तू लाइफ में बहुत अच्छा करे, जब तू जो तू अचीव करना चाहता है मिल जाए। करता भाई, वो मैं करूंगा। और मुझे लाइफ में जो करना है वो मैं करूंगा। फोटो अपलोड करे, नीचे से उस पे सवाल आए। हाँ, अरे क्या लिख रहा है तू? हाँ, मेरे जैसे 10 लिखते हैं। एक मिनट प्रिंस, एक मिनट। आई अंडरस्टैंड क्रिएटिव क्रिटिसिज्म, आई अंडरस्टैंड क्रिटिसिज्म आल्सो। प्रिंसेस कमेंट्स, जो उसके 1.4 मिलियन लोगों के सामने आप कमेंट्स लिखते हो, दैट इज ट्रेसपासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। दैट्स द अवेयरनेस दैट आई वांट टू क्रिएट थ्रू एमटीवी ट्रोल पुलिस। Now here's the thing. I don't think it's a big problem if we go step by step. Should we? Sure. तूने कहा अरे प्रिंस क्यों खाली पोज मार रहा है? हाँ। एक टैलेंट तो तुझमें है नहीं, एक क्यों शो ऑफ कर रहा है? एंड देन यू और एक बार यूज योर फेवरेट वर्ड और फिर कहा है कि व्हाटएवर, आई एम गोना कॉल इट व्हाटएवर, जैसी शक्ल है और डुक्कर जैसी बॉडी है। डुक्कर इज अ पिग इन मराठी, डुक्कर पिग जैसा बॉडी है। हाँ, फूला हुआ तो ज्यादा लगता है सर। There's a bunch of the Indian youth that's inspired by his physical fitness. तो क्या his body. मैं नहीं हूँ। पता क्या होता है? मैं सबसे ज्यादा इज्जत करूंगा माँ बाप की भाई, तेरे हो मेरे हो। बिल्कुल भाई, करनी चाहिए। सुनो, जब तुम ऐसे लिखते हो ना, तो मैं नहीं, लोग बोलते हैं कि इनके माँ बाप ने क्या परवरिश करी। प्रिंस की एक फोटो है जिसमें वो लेटे हुए नीचे और नाक में से खून निकल रहा है। एक्टिंग का कोई सीन ही नहीं यहाँ पर। दिस इज व्हेन ही वन रोडीज एंड स्प्लिट्स। और उन्होंने एक पोस्ट डाला, उस पोस्ट पे आपने लिखा, यू वांट टू रीड इट, सेम लैंग्वेज जिसमें आपने लिखा है। वाह, क्या मस्त बोला है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये तो किसको किसी को बीट करे बिना गैंग लीडर बना। तेरे को गैंग लीडर का पोजिशन दहेज में मिला था, जस्ट लाइक तेरा रोडीज का पोजिशन। कोई पूछे अकल बड़ी या भैंस, तो ये क्या भैंस बोलता है और गैंग लीडर बनेगा साला फुद्दू। कुछ नहीं हो सकता तेरा साला। तेरे को गैंग लीडर पोजीशन दहेज में मिला था। हाँ, सुशील कुमार वाज नॉट देयर एंड सो हु वाज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन? क्या अकेला ऑप्शन? कोई भी हो सकता था। इस साल मुझे ये नहीं सही लगा सर। दैट्स इट। बहुत लोगों को ये सही लगा, मेरे को नहीं सही लगा। पर फिर भी आप देख रहे हो। मैं नहीं देख रहा भाई, क्योंकि हर जगह बज रहा है आजकल, इडियट बॉक्स है टीवी। मेरी बात सुनो, आप अभी भी बिकॉज़ ऑफ, अच्छा, उन पिक्चर्स पे कमेंट कर रहे हो जो मैंने टास्क किए हैं, ठीक है? हाँ? आपने इसका मतलब मेरा फॉलो किया है? देख, मुझे तेरे से कोई नफरत नहीं है। मैं यहाँ पर, मेरे को भी तेरे से कोई नफरत नहीं है भाई। तभी आप लिखते हो नफरत नहीं है यार। देख, मैं तो कोई बोलो, अगर आप एक व्यू पॉइंट, मुझे आप बताओ कि आपका नफरत का रीजन क्या है?
आप मुझसे नफरत करते हो। सो दैट्स इट, इट इज नॉट वी, हम लोग तुम्हारे पे अटैक नहीं कर रहे भाई, सिंपल सी बात है। मैं बताता हूँ, जैसे भाई ने बोला बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता था, मुझे नहीं फर्क पड़ता तो मेरे बारे में कमेंट करते, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ। आया पता क्यों? क्योंकि जो मेरी आईडी में और जो बाकी लोग हैं जिनको इन कमेंट्स की वजह से सफर करना पड़ता है, जो इतने स्ट्रांग नहीं है, मैं उनकी वजह से आया हूँ। जब मुझे बताया गया कि अगर आप आओगे तो आपको देख के शायद बहुत लोग हैं जो सही काम करेंगे। ट्रोल्स ज्यादातर चार पांच चीजों की वजह से करते हैं, जब उनको किसी से जेलिसी हो, किसी से हेट्रेड हो, कोई उनको लगे दैट देयर बिलो देम, जो आपके केस में मुझे लग रहा है, या अटेंशन पाने के लिए। योर पावर एज अ यूथ, एज एन इन्फॉर्म्ड यूथ, एजुकेटेड, रीड्स बुक्स, is this the responsibility that you have that you write these kind of comments? Sir, pe feed weed ye sab to aata rehta hai na, agar aap kisi ko follow karoge to hi wo aayenge, you can also ignore them, you don't see everything. Sir, he could have ignored my thing, but yours is abusive content. This is a form of bullying because you're superior, you're bullying him in your head. I'm not bullying him. You don't see, no bully sees it like that, brother. Understand might why. Might be the to case. Samaj. एक कमेंट आपने किया ना, he is actually asking पंकज सर ये सीन कैसे करूं, बिकॉज ये मानता ही नहीं है, बहुत बड़ा एक्टर है, ये मानता ही नहीं है, पर ये अपनी रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा है। जो इसका एरिया है रोडीज का, वहां पे ये चौड़ा है, क्योंकि सिर्फ रोडीज नहीं, स्प्लिट्सविल ने बिग बॉस भी जीता है, मतलब दैट इज तो अच्छी बात है सर, आप जीते हो आप अपने लिए। Exactly. मेरे को किस बात की अगर दिखा रहे हो उस पे यार? यार मेरे घर में घुस के कोई मुझे गालियां दे, मैं तो फेल दूं यार। कोई भी फेल देगा सर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डन। This is the show that's going to make the world understand that. ये example जो आपका है, ये कहीं हद तक connect हो सकता है, पर literally हम उन दोनों चीजों को connect नहीं कर सकते। कर सकते, because अगर ये चाहे, with his 1.4 million fans, we write about you on your this thing, theater will shut down and not take you. मतलब they'll be like, यार, we can't work with you. It's not good. I'm ready for it. It's not healthy. It's not healthy. I get it, sir. Exactly. I get it. But so you're saying what you're doing is healthy? No, that's not healthy. That's my view. That's my view. I am, you I, and being sir, abusive. मैंने कोई ये guarantee थोड़ी ली है कि जो मैं बोलूँगा वो सही होगा। यार अच्छा मेरे को बता, कोई आदमी अगर रोडीज जीता हो, हाँ, उसके बाद स्प्लिट्सविला जीता हो, हाँ, और उसके बाद बिग बॉस जीता हो, हाँ, उसमें कुछ भी नहीं। तो अच्छी बात है सर, आप जीते हो आप अपने लिए। अबे तू कहाँ है? कमजोर आदमी को बेटा गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अब तेज, अब चिल्ला 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 ओ बेटे। हाँ, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा, बोलना चाहता हूँ ये कि तेरी लैंग्वेज है। सुन, मेरी लैंग्वेज मुझे बता रहा है क्या है? अबे अपना कुछ बता भाई, मेरी बात सुन। बता, तेरी मम्मा या तेरी बहन कोई काम करे, क्यों ना कर भाई, बात मत कर, क्यों ना कर, फैमिली के बारे में बात करी, क्यों ना कर, तेरी फैमिली के बारे में बात करी। सुन सुन सुन, रुक, मेरी मम्मी का और बहन का तूने एक बार और नाम लिया ना, तो क्या करेगा, क्या करेगा, नाम मत लेना, करेगा मत लेना ना, तू जो कर सकता नाम मत लेना, मेर से बात कर। सुन, क्या हुआ, मेरे से मेरी नहीं ले पा रहा तू? तुम जैसे लोगों के चक्कर में तुम्हारे माँ बाप बदनाम होते हैं भाई। आई चैलेंज यू ब्रदर। अच्छा अभी हाँ, तू मेरी फील्ड में आएगा और मेरे साथ टास्क करेगा। अच्छा तूने बता दिया, मैंने मान लिया, जा नहीं मानता, तेरे को मानना पड़ेगा भाई। तू मेरे से ऐसे बोलेगा? सुन, ऐसे बोलेगा? हाँ ऐसे बोलेगा तो करवा ले टास्क। अगर तूने यहाँ पर आज टास्क कर दिया, मैं तेरे को बोलता हूँ, you'll be in the personal interview of Roadies tomorrow. That's a launch pad. उससे पहले मैं तुझे बोलना चाहूंगा कि मुझे तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, तू मेरे बारे में कमेंट करता है, चाहे आगे भी फ्यूचर में करता रही हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ टास्क करे और तू फील करे कि जहाँ से रन, भाई, मैं, ये सब निकले हैं, वो चीज कैसी है, ताकि तेरे मन में एक रिस्पेक्ट आ पाए। हो सकता है और ये टास्क भी ना, तो शायद अच्छा लगा, अच्छा लगा, शायद तू बोले कि भाई मैं गलत था। हाँ चल ठीक है, हाँ करते हैं, आपको पता लग जाएगा, शायद आपको इंप्रूव हो जाए, मेरे दिमाग में है ना पर्सपेक्टिव है। लेट्स गो, लेट्स गो, कम Will spending a day in Prince's shoes transform Aditya? और क्या इसलिए वो degrading messages भेजने के लिए Prince से माफी मांगेगा? या फिर वो अपने अखड़ रवैये पर अड़ा रहेगा? Aditya, Prince, तीन stages है। पहला stage है
प्रिंस की जो लाइफ थी शुरुआत की, लर्निंग द रोप्स, सेकेंड वाली द हार्डशिप्स एंड द ट्रोल्स एंड द कॉमेंट्स, थर्ड वाला इज अ वॉल ब्रेकिंग द बैरियर. एक वॉल पर प्रिंस की अचीवमेंट्स हैं, दूसरे वॉल पे आपके कॉमेंट्स हैं. He will, with sandbags, try to knock them off while you are trying to knock off his achievements. Let's see कि वो जो barrier है, वो जो दीवार है, यहाँ पर वो पहले कौन तोड़ता है. It's got nothing to do with कौन जीतेगा, कौन हारेगा. It's just that कि उसको ये दिलाना है कि हम जब शो से आए हम सब किसके respect करें यार. बस. Prince, ready? Yes. 3, 2, 1, go. कैरेबिनर को अपने साथ लेके जा रहा है. रोप का रास्ता आपको अपनाना है, जहां से रोप जा रही है वहां से आपको जाना है. Come on, come on, come on, come on. Agility, jumping, exactly what you wanted. फुर्ती, अब कहां से जाना है वो भी देखना पड़ेगा. बार बार उसी रास्ते पे जाना, कहीं पे अटकना, कहीं से निकलना, दोबारा उसको फॉलो करना, किसी का रास्ता जो बनाया हुआ है उसको फॉलो करना, एंड देन फाइनली और अपना रास्ता बनाना. वेल डन प्रिंस, रेडी टू डू इट. आदित्य, डोंट बी मशीन मीन 884. Be Aditya. Okay? Ready, Aditya? Yeah, I'm ready. Your time starts now. Let's go. Very good, very good. Usko dekh, saath saath leke chal. Saath saath leke chal, usko nahi to phans jayega. Saath saath lekar chal. Now imagine of all the hardships that Prince has been through to get where he is. इतना आसान है नहीं जितना लगता है. लुक्स सिंपल, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रूट. सेम रास्ता बार बार, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव लाइफ में. गुड जॉब है आदित्य, गुड जॉब. नाइस. Doing good. Now he's walking in your shoes. Come on, man. Good job. Nice, 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 nice. Usko alag kar. Dobara nikal wahan se. Yeah. Clarity. Very good. Well done. थोड़ी देर बाद टास्क में ऐसा सर घूम जाता है, एक्चुअली हो जाता है ऐसा. कोई बात नहीं, लास्ट 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 लास्ट, नीचे से, नीचे से, उसके भी नीचे से, ऊपर से एक बार और बीच में से, इसके बीच में से, इसके बीच में से. वेल डन, गुड जॉब. इसको देख के एक पसीना नहीं आया. तेरी हालत देख. ये होता है टास्क में, और ये टास्क अवेयरनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस गाइस मास्टर्ड. डू यू वांट टू अपोलोजाइज फॉर वन मैसेज? शायद ये रोडीज के आसपास वाला मैसेज हो, नथिंग टू डू विद एक्टिंग वाला. शायद उस पे नहीं करना चाहिए. ये खून चोट वोट खा के नीचे गिरा, चोट वोट खा के और टांग तोड़ के गिरा है, उसके बावजूद जीता, उस वाले में. उस पे शायद थोड़ा ज्यादा जज कर दिया मैंने इसको. ही डिजर्व्स टू बी अ गैंग लीडर. ना ना, maybe the next task. Chai, okay, ye wala task aap dono ek saath karoge. Take your positions. All right, Aditya and Prince, ye jo aap stage karne ja rahe ho, sabse pehle main aapko bata dun, bahut dangerous hai. Please do not try this at home. This has been done under expert supervision. We also have a professional doctor on standby just in case something happens. Jab aap ye 8 carabiner nikal rahe hoge, aapko kuch degree ke current lag rahe honge dono ko. Aapne ye pehle roadies pe kiya hua hai. All right. Come on. Come on. You'll get an idea of what it takes to win roadies or Splitzilla or Big Boss. Ready, Aditya? Yes. Ready, Prince? Go.
Easy, come on. This is all the hurt that you get on your hard work. On your road to fame. ऐसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिलेंगे उसको. लेफ्ट की तरफ निकाल, लेफ्ट की तरफ निकाल, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ. कम ऑन. इजी प्रिंस, डोंट गेट हर्ट. कम ऑन, यू कैन डू इट. यू कैन इमेजिन द हर्ट दैट प्रिंस हैज गॉन थ्रू. दोनों हाथ लगाएगा तो ही खुलेगा. नथिंग इज स्टक ब्रदर. तो जान लगानी पड़ेगी. कम ऑन प्रिंस, गुड जॉब. इजी. You understand now कि जब तुम अपना Come on. कुछ नहीं होगा आदित्य. You're going to win respect जब तू करेगा. दोनों हाथ लगा, जल्दी खुलेगा. Come on. You have to throw that down. ये वाले को नीचे फेंक, इस वाले को ये देख ऊपर. ये जो ऊपर लटका हुआ तूने खोला. इसको निकाल दोनों को. इसको फेंक. हाँ, उसको फेंक. Come on, आगे बढ़. जब अपना काम करते करते लोगों के क्रिटिसिज्म आते हैं, वो ऐसे ही छुपते हैं, ऐसे ही हर्ट करते हैं. दोनों हाथ लगा, जल्दी खोल 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 तो बंद कर रहा है. खोल उसको, खोल खोल, फेंक नीचे इसको, निकाल के फेंक. काम कर आदित्य. पीछे जाने से कुछ नहीं होगा, आगे कुछ नहीं होगा. इसको यहां से निकाल. इधर वाला हाँ, पूरा कर, निकल. Come on. हो जाएगा. There's nothing. अगर तूने पहले वाले कर दिए, बाकी दो भी तू कर सकता है. Take it. कुछ नहीं होगा. Yes, कुछ नहीं होगा. बाहर निकलते निकलते कुछ छिलवाना मत. Come on. बाहर निकाल. Let's go. आराम से बाहर निकल. Good job. तुम्हारा काम था सिर्फ 8 कैराबिनर निकालना, लेकिन उस काम के बीच में जब कोई कुछ कहता है, नेगेटिव कमेंट्स करता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, रिश्तेदार हो, चाहे ट्रोल्स हो, या कंपटीशन या जेलेसी की वजह से, दीज आर द हार्डशिप्स दैट दिस गाय इज गोइंग थ्रू राइट नाउ इन हिज करियर. और ये जो टास्क था, दिस वाज जस्ट टू मेक यू रियलाइज दैट. जस्ट टू गिव मी माय टेस्ट ऑफ माय मेडिसिन. टेस्ट ऑफ योर मेडिसिन. मैंने शायद रोडीज के बारे में थोड़ा ज्यादा बोल दिया, बिकॉज ही इज रियली गुड एट टास्क. मैंने उसके साथ खुद अभी टास्क करके भी देखा, तो हाँ, मजा आया, अच्छा लगा. जितना मैं उसको डिसलाइक करता था, उतना नहीं करता. थोड़ी बहुत चीज़ें उसके बारे में ठीक भी हैं, शायद इतना नहीं है बड़ बोला. आदित्य एंड प्रिंस, यहाँ पर प्रिंस के सारे अचीवमेंट्स हैं, यहाँ पर आपके अगेंस्ट जो इन्होंने ट्रोल किया है, सारे कमेंट्स नेगेटिव कमेंट्स हैं. जिसने ज़्यादा बॉक्सेस को गिरा दिया, वो जीत जाएगा. लेट्स गो, 3, 2, 1, गो. कमान आदित्य, टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन. गुड जॉब, दैट वाज सो मच फन यार. आदित्य, प्रिंस, अभी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन द रिजल्ट इज सेइंग दैट प्रिंस इज स्टैंडिंग देयर. एक टैलेंट रियलिटी विनर. एक टैलेंट, बिल्कुल सही. एक्सेप्टेड. आपने इतना अच्छा टास्क परफॉर्म किया, तो मैं चाहता हूँ कि आप रोडीज के पीआई में भी आएं और एक बार आके आप देखिए, खुद को आजमाइए. आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड. जिस शो के लिए मुझे जाना था, वहाँ से जो टर्न हुआ, देन सरप्राइज, देन ऑल दिस, एंड ऑल ऑफ अ सडन आई एम आउटसाइड रोडीज पीआई रूम. मुझे डर वर नहीं लगता, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे डर क्यों लगेगा. आई विल बी माई सेल्फ.
इनका नाम है आदित्य शर्मा, ये 17 साल से थिएटर कर रहे हैं और साथ में इनको एक और अच्छा शौक है जो है ट्रोल करना। ये मेरी हर पिक्चर पे ट्रोल करते थे, लाइक कि तू कैसे बन गया रोडीज, तुझे खैरात में मिली है, गैंग लीडर कैसे, तुझे गैंग लीडर कैसे बन गया तू का, पता नहीं मतलब क्या क्या लिखते थे उस कमेंट के नीचे फॉर नो रीजन। एक शो कर रहे हैं हम एमटीवी ट्रोल पुलिस, क्योंकि मुझे लगता है इट्स द नीड ऑफ द आवर। बहुत लोग ट्रोल कर देते हैं और उनको पता नहीं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और उसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। आई थिंक बहुत जरूरी है यार, क्योंकि आप बहुत सही बात कर रहे हो। कुछ लोग सिर्फ कई बार सिर्फ इसलिए मैसेज कर देते हैं क्योंकि बहुत ईजी है। माई लाइन ऑफ वर्क इन्हें कीबोर्ड गैंगस्टर्स बोलते हैं, जो सिर्फ टाइप कर सकते हैं, सामने कुछ नहीं कर सकते। मैं एक एक लाइन में शायद आपने किसी के लिए बोली होगी व्हाटएवर, बट आपने बोला है चल घर चल जाके कर बड़ 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 इट्स फॉर द ट्रोल। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है ओपन टू कि तेरा गाना अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, तेरा स्टाइल अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, तेरी माँ की है, तेरी बहन की वो। सो गेटिंग डाउन टू फैमिली, आई हैव गॉन टू द लिमिट ऑफ ट्रेसिंग डाउन द पर्सन एंड फाइटिंग। तो ये जो हमारा शो है एमटीवी ट्रोल पुलिस, उसमें हम आदित्य को लेकर आए फेस टू फेस प्रिंस के साथ। आदित्य हाँ, कैसा था वो एक्सपीरियंस? जैसे मैंने आपको उस दिन बताया, आई बिलीव इन ग्रोथ। अगर आप मेरे को फैक्ट्स दोगे, लॉजिक दोगे, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ मैं गलत हूँ। उसके बाद वो रोडीज में ही यू नो आउट परफॉर्म मी, ही डिड वेल। उस चीज़ के लिए आई टेक माई वर्ड्स बैक कि हाँ वो जो मैंने लिखा बिना सोचा समझे ऐसे ही जस्ट मोमेंट में लिख दिया। ओके आदित्य, इन वन लाइन टेल मी, आपने प्रिंस के बारे में सबसे वाहियात चीज क्या लिखी थी, एंड नाउ क्योंकि ये सब हो चुका है, what's the nicest thing you can say about Prince? I called him najayiz for some certain shows, but now I can say that he did it with his own, you know, vigor and physical agility and all those things. He did it with himself. You do have respect. Yeah, I do. That's good. So we'll let's start his PI round. Yep. सबसे पहले आपको अगर एक मौका मिला यहाँ पर गैंग लीडर्स के सामने उनको इम्प्रेस करने का, टैलेंट ऑफ योर्स वो क्या है? आई ऑलवेज लाइक रफ्तार सर सॉन्ग, स्वैग मेरा देसी। ओके, आई वुड लाइक टू डू दैट। ओके, सॉन्ग लाइव करते हैं। इज व्हेन यू ब्लास्टेड ऑन द सीन। ओके ब्रदर, आप ये 120 केजी के थे एक टाइम पर। ओह, और अभी कितना है? I'm 80 right now. That's amazing. तो कौन सी एक्सरसाइज ऐसी थी जो आपको सबसे ज्यादा जिसमें मजा आता है? मेरे जिम रेजीम में कि जो ऑर्थोडॉक्स एक्सरसाइजेस होती हैं जैसे पुशअप्स, पुलअप्स, ये मैं नहीं करता। आई चूज फॉर ऑल्टरनेट ऑप्शन, लाइक आई चूज केटल इंस्टेड ऑफ दैट। वो केटल है ना, उसको बना ले सैंड बैग को, इसको हाँ, और इसके साथ चार पांच चीजें करके दिखा दे। व्हील घुमाओ यार, ये असली पीआई एक्सपीरियंस है। क्या चाहिए? हाईवे। आई विश हाईवे आ जाए। हाईवे, ओ हाईवे ही आ गया। हाईवे, हाईवे। दिस इज द एक्सट्रीम व्हील ऑफ मिसफॉर्च्यून। इस व्हील को घुमाने के बाद ना दिमाग खुल जाता है। अच्छा, बेसिकली वहां पर एक औजार है प्रिंस, प्लीज। तो ये सीजर आपके पास, आपको हाईवे पता है, हाईवे क्यों बनाया जाता है? मतलब स्पीड के लिए, आप बिल्कुल प्लेन हो, आपको यहां से लेके पीछे तक बिल्कुल प्लेन करना है, हाईवे बनाना है। But why would I do that? Like this is what people actually do. I don't think I'll do it. It's not competitive and it's something which in which I'm not proving anything. आपने रोडीज का इंटरव्यू पहले देखा है ना? हाँ। वहाँ पे हम बहुत चिल्लाते थे कंटेस्टेंट्स पे। क्यों चिल्लाते थे? वो करके आप ये देख रहे थे कि मतलब how tough is that guy? वही बात हम यहीं पे कर रहे हैं। हाँ। तो सर वही तो मतलब, but I will react differently because I'm different. I am exactly. None of those what you have auditioned before. और आप में और प्रिंस में फर्क ये है जी कि वो बिना सोचे ये करता जी, और जानता है कि उसको टेस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात पूरी समझ गया सर, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर किसी का रास्ता एक ही हो, कि अगर एक ने काट के गया तो सभी काट के जाएं। देख देख देख, ऐसा है कि उन लोगों का रास्ता एक नहीं है आदित्य, पर रोडीज का रास्ता यही है और आप में
और प्रिंस में यही फर्क है। होगा, इसलिए वो विनर है और मैं भी पीआई में हूँ। पीआई में भी तब हो क्योंकि आपको लाया गया है। अगर बाय चांस आप बाकी लोगों की तरह लाइन में होते तो शायद पीआई में भी ना पहुंचते। आदित्य, अगर आप ये नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली रोडीज एक्सट्रीम के पीआई में से वील हैव टू से बिग थैंक यू टू यू, क्योंकि यू आर नॉट वर्थ इट। I'm not worth it. That's not what you can say that you don't, you know, like me. But I'm not worth it. Aditya, this is just an experience, and it's done. We're just giving you an experience. Achha. Can you see how you're getting drawn into the experience now? I get it. तो तू तो आया भी नहीं था select होने. तू फिर भी वो हो गया, इसको रख दे वहाँ पर. I get it. Thanks for coming. उनका सोच जो आते हैं जिनको यही करना है, दस दस साल से audition दे रहे हैं. How you react, how we then react, and you can see yourself. You're not even part of the real thing right now. And still you go getting. You're still getting drawn into. I get it. चल. Nice to see you, man. I hope you had fun. Nice meeting you guys. I guess you guys should hug it out. I'm not a troller. I'm a normal human being, normal individual. हाँ, मेरा गुस्सा था, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका गलत था. आई वॉज जस्ट वे टू ब्लंट, जिससे मतलब लोग भी कैरिड अवे हो सकते हैं. बाकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एक्सप्रेस तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस हाँ किसी और का मीडियम मत यूज करो. तेज हो जाते, उसका एक्सपीरियंस तो इन द एंड वॉज ओके, बट यू गाइज रिमेंबर, नो ट्रोल इज सेफ.